एवरीवन, आई एम सोना। वेलकम टू माय चैनल सोना आर्ट। दोस्तों, हमारे घर को आकर्षक बनाने में 50% भूमिका निभाते हैं ये ग्रीन प्लांट्स। अगर हम किसी भी कोने में छोटा सा भी ग्रीन प्लांट रखते हैं तो उसकी खूबसूरती दो गुना बढ़ जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आप बहुत ही सस्ते और बहुत ही जीरो बजट में अपने मन मुताबिक अपने पॉट्स को कस्टमाइज करके इंडोर ग्रीन की खूबसूरती और भी बढ़ा सकते हैं, और आप अपने घर में रखे हुए प्लास्टिक प्लांट को एक नया लुक दे सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 मेथड से DIY प्लांटर पेंटिंग्स आइडियाज। इस वीडियो में मैं बहुत ही इजी वे से पेंटिंग्स करने वाली हूँ, तो चलिए वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यह प्लास्टिक के 5 प्लांटर है जिसमें मैं डिफरेंट मेथड से पेंटिंग करने वाली हूँ। फर्स्ट मेथड में जियोमेट्रिकल शेप से डिजाइन बनानी है, जैसे कि स्क्वायर, ट्रायंगल या रेक्टेंगल से डिजाइन बना सकते हो। डिजाइन बनाने के लिए मैं यूज करने वाली हूँ व्हाइट परमानेंट मार्कर पेन, जो मैं लोकल स्टेशनरी शॉप से लाई थी, एंड व्हाइट पेंसिल, जो पेंसिल कलर्स में आती है। तो डिजाइन करने से पहले प्लांटर को क्लीन कर लीजिए। अब व्हाइट पेंसिल से मैं डिजाइन बनाऊंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप डायरेक्ट परमानेंट मार्कर से डिजाइन करना चाहते हो तो कर सकते हैं, पर बेटर होगा कि आप पहले पेंसिल यूज करें, क्योंकि सरफेस फ्लैट नहीं है तो डिजाइन बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो अगर गलती होती है तो हम वेट कपड़े से हम क्लीन कर सकते हैं, परमानेंट मार्कर के डिजाइन को हम क्लीन नहीं कर सकते, तो ये ध्यान में रखें। व्हाइट पेंसिल से डिजाइन हो जाने के बाद व्हाइट परमानेंट पेन से डिजाइन करनी है। अगर आप कोई और कलर्स यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मुझे सिंगल व्हाइट कलर ही यूज करना था, इसलिए मैं एक ही कलर यूज कर रही हूँ। तो हमारा फर्स्ट प्लांटर रेडी है। सेकंड मेथड में मैंने डॉट्स की डिजाइन बनाई है। इसमें भी मैंने व्हाइट परमानेंट मार्कर का यूज किया है। अपनी चॉइस की कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। तो रेडी है हमारा सेकंड प्लांटर। अब थर्ड प्लांटर में हम कलर ड्रॉपिंग मेथड से पेंट करने वाले हैं। ये बहुत ही सिंपल और कॉमन मेथड है। सबसे पहले मैंने ब्लैक एक्रेलिक कलर से बेस कोट कर दिया है। अब सबसे पहले व्हाइट एक्रेलिक कलर को फ्लैट ब्रश से हल्के से ही प्रेस करके कलर ड्रिप करना है। इसमें आपको परफेक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। Thank you.
दिखने में अच्छा लगे, इसलिए बीच बीच में मैंने थोड़ा गैप रखा है। और मैं ये भी चाहती हूँ कि बेज कोट है ब्लैक, वो भी ज़्यादातर दिखे। ये देखिए कितनी अच्छी डिज़ाइन बन गई है। शाइनिंग और कलर खराब ना हो, इसीलिए कलर अच्छे से सूख जाए उसके बाद वॉर्निश का एक कोट भी कर दिया है। तो रेडी है हमारा थर्ड प्लांटर। फोर्थ प्लांटर में हम वॉर्ली आर्ट पेंटिंग करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने एशियन पेंट का रेड ऑयल पेंट कलर यूज किया है, आप ब्राउन कलर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ मैं दो कोट करूँगी। याद रखें कि आप ऑयल कलर यूज कर रहे हैं या एक्रेलिक कलर यूज कर रहे हैं, हर एक चीज़ में आप दो कोट लगाएंगे तो वो ब्रश की लाइनिंग्स नहीं आएगी और बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैं एक ट्रिक शेयर करना चाहती हूँ जिससे ये आर्ट ड्रॉ करना काफ़ी आसान हो जाएगा। मैंने यहाँ पे व्हाइट एक्रेलिक कलर और 3D लाइनर की बोतल ली है। ये 3D लाइनर की बोतल में हम व्हाइट एक्रेलिक कलर को फिल कर देंगे और बस अब इसी ट्यूब की हेल्प से हम ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से ड्रॉ करना काफ़ी आसान हो जाता है। आपको ये ट्रिक कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप डायरेक्ट ब्रश से ड्रॉ करना चाहते हो तो कर सकते हैं। इसमें मैंने वॉर्ली आर्ट ट्राई किया है और मैंने बहुत ही बेसिक सा ट्राई किया है जिसे आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। मैंने भी इस आर्ट को फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया है तो मैंने पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं और अगर आपको मेरे कंटेंट एंड वीडियो पसंद आते हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी नई वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर आप घर पे ऐसा कुछ ट्राई करते हैं तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अब ये कंप्लीट हो चुका है। आपको ये वॉर्ली आर्ट कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो हमारा फोर्थ प्लांटर भी रेडी है। अब लास्ट प्लांटर में हम स्प्लैश मेथड से पेंट करने वाले हैं। मैं यहाँ पे क्रीम एक्रेलिक कलर ले रही हूँ, आप अपनी चॉइस के कोई भी लाइट कलर ले सकते हैं। और इसका मैं दो कोट करूँगी। स्प्लैश मेथड के लिए जब कलर अच्छे से सूख जाए उसके बाद मैंने लिया है ब्लैक एक्रेलिक कलर और फ्लैट ब्रश की हेल्प से इस तरह से स्प्लैश ही करना है। ब्लैक कलर और भी निखर कर आएगा जब इस पे वॉर्निश का एक कोट हो जाएगा। तो रेडी है हमारा फिफ्थ प्लांटर। इस वीडियो में मैंने जितने भी पॉट पेंटिंग्स के आइडियाज दिखाए हैं, अगर आप इसे इंडोर प्लांट्स के लिए यूज करेंगे तो काफी अच्छा होगा क्योंकि बाहर का वो डस्ट पॉल्यूशन एंड सन की वजह से कलर फेड हो जाएगी। तो अगर अच्छा होगा कि आप इन सब पॉट्स को इंडोर प्लांट्स के लिए ही यूज़ करें। और इनमें से आपको कौन सा मेथड ज़्यादा पसंद आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।